घामरोज गांव में बीते 4 दिन से जारी फुटबॉल खिलाड़ियों की भूख हड़ताल अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। कांग्रेस के यूथ जिला अध्यक्ष मनीष खटाना खिलाड़ियों के बीच में पहुंचे और पंचायती जमीन और फुटबॉल मैदान पर वन विभाग के कब्जे को लेकर खिलाड़ियों की भूख हड़ताल जारी है। 3 से 4 खिलाड़ियों की नाजुक हालत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सरकार या फिर जिला प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा खिलाड़ियों के पास नहीं पहुंचा है। गौरतलब है कि इसी मैदान के खिलाड़ी राज्य स्तर पर और संतोष ट्रॉफी में भाग ले चुके हैं और प्रदेश का नाम भी रोशन कर चुके हैं। हाँ, मैं एक फुटबॉल की स्टेट प्लेयर हूँ और मैं जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हूँ वो ग्राउंड हमारे गाँव की पंचायती ज़मीन पर है और हमारे पास उसके लिए हमारे पास पूरे पेपर्स हैं, लेकिन वन विभाग ने पता नहीं गैर कानूनी तरीके से हमारा पूरा ग्राउंड ख़राब कर दिया बिना किसी परमिशन के, ना पंचायत से कोई परमिशन ली, हमारा पूरा ग्राउंड ख़राब कर दिया और हमारे पास अब कोई जगह नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए अब हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस कार्रवाई को अमल में लाया जाए और खिलाड़ियों के यहाँ जो बेचारे 4 दिन से आज अनशन में बैठे हैं, भगवान ना करे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई गलत कोई वो बात ना हो जाए तो इसके बाद प्रशासन को अपने हाथ मजबूर हो उठे, तो उसके लिए आपको मैं यही विनम्र निवेदन है सरकार से भी और प्रशासन से भी कि वो आकर इनसे मिले और इनकी भी जो भी इनकी समस्या है उसको जल्द से जल्द उसको हल कराया जाए। तहस नहस कर दिया है ना, गांव पंचायत की तरफ से कोई परमिशन लिया है और हमारे ग्राउंड को तहस नहस कर दिया है और हमें आज 4th दिन है भूख हड़ताल पर और प्रशासन ने हमारी एक भी कोई कार्रवाई नहीं करी, ना यहाँ पर कोई प्रशासन वाले हैं।